आज हम लोग जो है वो ग्रुप 18 के अंदर जो कंपाउंड्स है जिसके अंदर नोबल गैसेस भी जो है वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रही है, उनकी ज्योमेट्री को ड्रॉ करने का, उनकी ज्योमेट्री को लर्न करने का एक सुपर ट्रिक जो है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो सबसे पहला कंपाउंड जिसकी हम लोग बात करेंगे वो कंपाउंड है XeF2। XeF2 की ज्योमेट्री जो है वो कैसी होती है, XeF2 की शेप कैसी होती है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है XeF2 की, सब कुछ जो है वो हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले देखो इसका क्या ट्रिक है। ज़ीनोन एक नोबल गैस है, इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और हमारे पास यहाँ पे 2 फ्लोरीन्स हैं और फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के, उनको जो है वो यहाँ पे एड कर दो तो ये हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 14 और 8 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे 22 जो है वो हो जाएगा। अगर ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोगों के पास जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 हो तो इस पर्टिकुलर नंबर को अपने को 2 से डिवाइड करना है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 से 52 के बीच में लाइक करे तो इस नंबर को जो है वो अपने को 8 से डिवाइड करना है। अब ये क्या डिवाइड करना है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, आप देख लो यहाँ पे 22 है, 22 को 8 से डिवाइड करो, 8 टू जा हम लोगों के पास हो जाएगा 16, 16 के बाद यहाँ पे जो है वो 6, 6 के बाद फिर इसको ये नंबर जो है वो 8 से छोटा है, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और ये यहाँ पे जो है वो खत्म हो गया। अब जो पॉइंट ध्यान देने वाला है, जो पहला डिवीजन का नंबर होगा जो यहाँ पे 2 है, ये हम लोगों के पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो दूसरा नंबर है जो यहाँ पे 3 है ये नंबर ऑफ जो है वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो कि XeF2 है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 2 तो हमें बॉन्ड पेयर मिलने वाले हैं, मतलब 2 बॉन्ड्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे और 3 जो है वो अपने को लोन पेयर जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। तो इसका ज्योमेट्री अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ज्योमेट्री को ड्रॉ करने से पहले पहले आप एक चीज समझ लो, 2+3 जो कि हम लोगों के पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, यहां पे हो जाएगी sp3d। कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, देखो s में 1, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 3 और 5 पूरा करने के लिए 1 चाहिए क्योंकि देखो 1+3 ऑलरेडी 4 हो चुका है तो 1 चाहिए, तो इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम लोगों के पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यहाँ पे होगी। अगर मान लो सुपोज करो यहाँ पे नंबर हो जाता है 6 तो हम लोगों के पास यहाँ पे d2 हो जाएगा, यहाँ सुपोज करो नंबर हो जाता है 7 तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों के पास d3 जो है वो हो जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। तो अगर बेटा जी मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो जो भी मॉलिक्यूल्स हम लोगों के पास जो है वो sp3d जो है वो हाइब्रिडाइजेशन वाला होता है, उस पर्टिकुलर की जो ज्योमेट्री है दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। यहां पे उसकी ज्योमेट्री जो है वो हम लोगों के पास यहां पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो है वो हम लोगों के पास यहां पे होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे ज़ीनॉन की बात करूं तो ज़ीनॉन जो है वो किस तरह का मॉलिक्यूल है, देखो यहां पे जो लोन पेयर्स थे वो इस तरह से फ्लोरीन आ गया, एक लोन पेयर हम लोगों के पास इस जगह पे होगा, दूसरा लोन पेयर हम लोगों के पास इस जगह पे होगा और तीसरा लोन पेयर जो है वो हम लोगों के पास इस जगह पे होगा। तो इसकी ज्योमेट्री जो है ये हम लोगों के पास जो है वो क्या है, इट इज ज्योमेट्री विच इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर दो चीजें हैं, देखो एक तो होती है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब जिसके अंदर सारे स्टेरिक नंबर्स या सारे ये जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबको इंक्लूड करके चले तो क्या शेप जो है या ज्योमेट्री जो है वो मॉलिक्यूल की बन रही है, तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं बेटा तो शेप के अंदर हम लोग लोन पेयर को जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसकी शेप की अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो है वो हम लोगों के पास एक लीनियर शेप मॉलिक्यूल जो है वो ये हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर दी, सबसे पहले जो है वो XeF2 का जो है वो नंबर निकाल लो, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 22 आए, 22 को 8 से डिवाइड करके पहले 2 आ रहा है जो कि बॉन्ड पेयर बता रहा है, फिर 6 नंबर आ रहा है, 6 नंबर 8 से छोटा है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पहले वाला डिवीजन अपने पास बॉन्ड पेयर बता रहा है,
दूसरे वाला डिवीजन अपने पास लोन पेयर बता रहा है, तो टोटल इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास ये 5 हो जाएगा। 5 की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है, देखो 5 नंबर को स्प्लिट करना है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, और कितने डालें इसमें कि टोटल 5 हो जाए, तो 1। तो ये हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन, हम लोगों के पास यहां पे इसकी होगी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, लेकिन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो हम लोगों के पास एक लीनियर शेप मॉलिक्यूल होगा। क्यों? क्योंकि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग लोन पेयर्स को जो है वो कंसीडर अपने पास नहीं करते हैं। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। इसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले रहा हूं, दैट इज XeF4। XeF4 मॉलिक्यूल की अगर मैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करूं तो जीनोन के 8 प्लस 4 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 28 विच इज इक्वल टू हम लोगों के पास यहां पे 36 जो है ये होने वाला। अब ये 36 जो नंबर है इसको सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, यहां पे आ गया 4, और उसके बाद इस नंबर को जो है वो हम लोग 2 से करेंगे, तो यहां पे जो है ये क्लियर हो जाएगा। अब ये पर्टिकुलर जो 4 नंबर है बेटा जी, ये पर्टिकुलर नंबर हम लोगों के पास किस चीज को बताएगा, बॉन्ड पेयर को बताएगा, और ये जो 2 नंबर है ये हम लोगों के पास किस चीज को बताएगा, लोन पेयर को जो है वो बताएगा। अब यहां पे देखो इस 4 प्लस 2 की अगर मैं बात करूं तो ये 6 हो गया, एस के अंदर 1 है, पी के अंदर 3 है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए। अब क्या करें कि 6 हो जाए, तो ऑब्वियसली डी के 2 ऑर्बिटल्स जो है वो होंगे, तो ये पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यहां पे हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की यहां पे जो है वो हम लोगों के पास होगी। अब इस हाइब्रिडाइजेशन का अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ये जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है ये हम लोगों के पास जो है वो एक स्क्वायर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो हम लोगों के पास शो करती है। तो स्क्वायर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर अगर हम लोग बात करें जीनॉन की, तो ये जीनॉन एक ऐसे बॉन्ड बनाएगा, दूसरा बॉन्ड ऐसे बनाएगा, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे। तो यहां पे देखो 1, 2, 3 और 4, यहां पे 4 जो है वो हम लोगों के पास यहां पे बॉन्ड पेयर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, 2 लोन पेयर्स का फॉर्मेशन हम लोगों को यहां पे करना है, तो ये 2 लोन पेयर्स जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो जाएंगे। तो स्क्वायर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो इसकी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं तो इसकी शेप जो है वो मॉलिक्यूल की, ये देख लो लोन पेयर को तो कंसिडर करना नहीं है, तो एक ये स्क्वायर का फॉर्मेशन है और साथ में जो है ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल है, तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो इसका हम लोगों के पास यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो रहा है। आई होप बेटा जी ये बिल्कुल क्लियर है आपको। नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट हम लोग जो है वो कंसिडर करेंगे XeF6 का मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब XeF6 के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, 8 जीनॉन के, 6 इंटू 7, तो यहां पे अगर आप इसको देखो तो 8 प्लस यहां पे हो जाएगा 42 विच इज इक्वल टू 50। तो अब ये जो n नंबर 50 है इसको हम लोग जो है वो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा हम लोगों के पास होगा यहां पे 48, 2 बचेगा, 2 को जो है वो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ही करेंगे, और ये यहां पे कट जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये हम लोगों के पास क्या बता रहा है, बॉन्ड पेयर को बता रहा है, और ये वाला पर्टिकुलर नंबर हम लोगों के पास किस चीज को बता रहा है, लोन पेयर को जो है वो हम लोगों के पास यहां पे बता रहा है। तो इसके अंदर अगर मैं यहां पे ऐड करूं तो 6 प्लस 2 की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास 8 यहां पे होने वाली है। तो 8 नंबर के हिसाब से अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करूं तो एस की 1 पी की 3, तो 4 तो ये हो गए, और डी की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे हम लोगों के पास क्या हो जाएगी, 4। तो sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो शो करेगा। अब ये sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस तरह की होगी, ये बेसिकली जो है इसकी शेप एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप जो है वो इस मॉलिक्यूल की हम लोगों के पास यहां पे बनेगी। अब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनेगी वो हम लोग यहां पे देख लेते हैं। ये ज़ीनॉन का मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर 6 जो है वो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो ये देख लो यहां पे 4 हमने एक प्लेन में बना दिए, ये पांचवा मॉलिक्यूल हो गया और ये छठा मॉलिक्यूल हो गया, और दूसरा एक इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर हम लोगों ने जो है वो
इस तरीके से लगा दिया। तो ये मॉलिक्यूल की जो है वो यहां पे शेप होगी। शेप क्या होगी यहां पे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप का मॉलिक्यूल जो है ये हम लोगों के पास बनेगा। आई होप यहां तक जो है ये क्लियर है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो मैं यहां पे कंसीडर करके चल रहा हूं, XeO3 का मॉलिक्यूल अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं तो XeO3 का एन फैक्टर जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा जी जीनॉन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 × 6 विच इज इक्वल टू 8 + 18। 8 + 18 हम लोग यहां पे बात करें तो 26 होगा। इस 26 नंबर को जो है वो 8 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 8 × 3 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे 24 बनेगा। दो बचा तो 2 × 1 यहाँ पे 2 बनेगा। ये कटा, ये नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास? बॉन्ड पेयर। और ये नंबर ऑफ हम लोगों के पास क्या हो जाएंगे? लोन पेयर जो है वो हो जाएंगे। अगर मैं इसी ज्योमेट्री की बात करूं तो 3 + 1 जो है वो 4 है। तो यहाँ पे sp3 ज्योमेट्री जो है वो मॉलिक्यूल की हम लोगों के पास देखने को मिलेगी। तो ज्योमेट्री के हिसाब से जो है ये मॉलिक्यूल हम लोगों के पास एक टेट्राहेड्रल शेप वाला मॉलिक्यूल जो है वो होगा। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप की बात करूं बेटा जी, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो हम लोगों के पास एक पिरामिडल शेप वाला मॉलिक्यूल जो है वो होगा। अब ये पिरामिडल शेप वाला मॉलिक्यूल क्यों होगा इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ये जीनोन है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के साथ जो है वो इसके 3 बॉन्ड पेयर इस तरीके से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो यहां पे ये ज्योमेट्री जो है वो इसकी है। अब एक चीज आप याद रखो, ऑक्सीजन जो भी जीनोन के साथ बॉन्ड बनाएगा दैट विल बी अ डबल बॉन्ड। तो यहां पे जो है वो आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो करना है, सिंगल बॉन्ड्स जो है वो नहीं बनाने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना के अपनी ऑक्टेट को जो है वो कंप्लीट करेगा। अब यहां पे देखो, इस लोन पेयर को हम लोग ज्योमेट्री में तो कंसीडर करेंगे लेकिन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर मैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये शेप जो है वो हम लोगों के पास एक पिरामिडल शेप का फॉर्मेशन जो है वो कर रही है। तो यहां पे शेप पिरामिडल होने वाली है, ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होने वाली है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला मॉलिक्यूल जो है वो हम लोगों के पास यहां पे होगा। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मॉलिक्यूल मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ, XeOF4। XeOF4 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं यहां पे, तो 8 + इसके आउटर शेल में 6 + 4 × 7, तो ये हो गया हमारे पास 14 + यहां पे जो है ये 28 हो गया। और इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये हम लोगों के पास जो है वो 42 एक नंबर जो है वो यहां पे आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर 42 नंबर को सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे। 8 × 5 जाए यहां पे 42 जो है, अब बचा तो 2 को जो है वो सिंपल 2 से डिवाइड करेंगे और यहां पे ये कट जाएगा। तो ये जो 5 वाला नंबर आया ये हम लोगों के पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आ गए, और ये जो 2 वाला नंबर आया बेटा ये 1 रहेगा यहां पे, ये नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो है वो हम लोगों के पास यहां पे आ गए। अब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री की बात करूं अगर मैं, तो इसका 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। अब ये 6 नंबर जो है हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो sp3d2 रहेगा, क्योंकि देखो s का 1 p का 3, 4 तो ये हो गए, 6 पूरे करने हैं, तो 2 जो है वो इसके ऐड होंगे, तो हम लोगों के पास जो है वो sp3d2 मॉलिक्यूल जो है वो हम लोगों के पास यहां पे फॉर्म करेगा। इस पर्टिकुलर sp3d2 मॉलिक्यूल जो है इसका जो हम लोगों के पास ज्योमेट्री है इसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। इसका ज्योमेट्री जो है वो हम लोगों के पास होगा यूजुअली, इसको हम लोग जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो बोल देते हैं। और इसकी शेप को मैं यहां पे बना के बताता हूं आप लोगों को। तो ये एक लोन पेयर यहां पे होगा, और यहां पे ऑक्सीजन, इस जगह पे फ्लोरीन, इस जगह पे फ्लोरीन, इस जगह पे फ्लोरीन, और इस जगह पे फ्लोरीन। अब यहां पे छोटी छोटी चीजें जो ध्यान देने वाली है, पहले देख लो 5 बॉन्ड पेयर है, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर हो गए। अब सबको पता है ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, और एक लोन पेयर हम लोगों के पास ऑलरेडी जो है वो यहां पे प्रेजेंट है। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। अब ये बाई पिरामिडल नहीं है, दिस इज एक्चुअली अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो शेप है दैट इज एक्चुअली अ स्क्वायर, और साथ में जो है वो पिरामिडल शेप जो है वो हम लोगों के पास यहां पे शो कर रहा है। स्क्वायर बाई पिरामिडल इसको हम क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि लोन पेयर जो है इसकी ऊपर वाली साइड पे है जिसको हम लोग कॉन्सिडरेशन के अंदर जो है वो नहीं लेंगे, और इसको सिंपल जो है वो इसी पर्टिकुलर शेप के अंदर जो है वो कंसीडर करके चलेंगे। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर है। इसके बाद एक और मॉलिक्यूल है हम लोगों के पास जिसका
फॉर्मूला है BRF3। BRF3 जो है इसके अगर मैं नंबर की बात करूं यहां पे, तो ये हो गया 7 + 3 × 7, क्योंकि हेलोजन फैमिली के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये नंबर हम लोगों के पास 28 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर नंबर को जो है हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 3 जा यहां पर 24, ये 4 नंबर बचा, 2 2 जा यहां पर 4 होगा और ये कटेगा। ये पर्टिकुलर जो 3 है ये हम लोगों के पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, और ये पर्टिकुलर 2 जो है ये हम लोगों के पास जो है वो लोन पेयर है। अब ये 3 + 2 जो है ये हम लोगों के पास 5 हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखो sp3 4 ऑर्बिटल यहां पे इन्वॉल्व हो गए, 5 टोटल करने हैं, तो एक डी जो है वो हम लोगों के पास यहां पे होगा, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से दैट विल बी ट्राइगोनल, और हम लोगों के पास बाई पिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो हम लोगों के पास यहां पे इसकी होगी। लेकिन अब इसकी अगर मैं शेप की बात करूं, तो इस मॉलिक्यूल को जो है वो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये एक बी आर जो है वो हम लोगों के पास हो गया, और एक ये फ्लोरीन जो है वो ऊपर की साइड पे बना रहा हूं, एक फ्लोरीन मैं यहां पे नीचे की साइड पे बना रहा हूं, और एक फ्लोरीन जो है वो मैं ऐसे बना रहा हूं, एक लोन पेयर जो है वो मैं ऐसे बना रहा हूं, और दूसरा लोन पेयर जो है वो मैं इस तरीके से फॉर्म यहां पे कर रहा हूं। अब देखो ये मॉलिक्यूल जो है दिस इज एक्चुअली अ टी शेप मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर्स को हम लोग ज्योमेट्री के अंदर कंसीडर नहीं करते, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा बेंट टी शेप। बेंट टी शेप क्यों बोला इसको, ये इसकी शेप है मॉलिक्यूल की। क्यों इसको बेंट टी शेप बोला, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, और एक्चुअल में जो है ये कुछ इस तरीके से, मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा ये बॉन्ड बेंड कर जाएगा और कुछ इस तरीके से जो है वो हम लोगों के पास शेप को शो करेगा। तो इस सारा लेक्चर जो है वो क्लियर कर दिया हमने। ग्रुप 18 के अंदर जितने भी शेप्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे शेप्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। होप आपको ये ट्रिक सारी जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।